अगर उतना ही आशीर्वाद प्यार मिल जाए तो आसानी से सीटिंग। दिनेश जी, तैयारी कितनी है और आसार कितने हैं आपकी जीत के? तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था बहुत अलग समीकरण था और इस समय बहुत अलग समीकरण है। अब जो है तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, तो इस बार कमल खिलाने का हम लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है और इस मौके को हम लोग नहीं। सपा द्वारा बार बार कैंडिडेट बदले जाने के पीछे आप क्या समझते हैं? सपा जानती है कि वो ये चुनाव नहीं जीत पाएगी और ये सही भी है। सपा से हम लोग का कोई मुकाबला भी नहीं है, हम लोगों का मुकाबला जो है वो बसपा से। आजमगढ़ जातिवाद के बंधन से मुक्त हो नहीं पा रहा है, तो क्या कहेंगे? इस बार मुक्त होना चाहिए, इस बार मुक्त होना चाहिए, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ तो सब लोग ये बात कह रहे हैं कि हाँ, सबको तो देख ही लिया, जाति धर्म और सब करके देख लिया। अब एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चल के देखते हैं। अगर विकास नहीं हुआ तो फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे। जनता ने मौका दिया तो किन किन बिंदुओं पे आपकी नजर है? मेरी सारी बिंदुओं पे नजर है, सारे विधानसभा में जितनी समस्याएं हैं, आप लोगों को मैं बताऊं, मैं यहाँ चुनाव हारने के बाद भी हर विधानसभा में अपनी टीम लगा करके और एक एक बिंदु पे मैं पत्रांक बना करके और मुख्यमंत्री जी के पास और जिस भी अधिकारी के पास भेजना होता था मैं लेके जाता था। तो सारी बिंदुओं पे है, पहले से हम लोगों को ध्यान है, हम लोग जो है उस पे सबसे पहले काम। भैया आपका नाम देख भैया पूरा गेट जाम हो जा रहा है, यादव बिरादरी को जोड़ने के लिए भैया पूरा गेट जाम हो जा रहा है। अरे राजा चुनाव में पूरा अखिलेश यादव को जिताया वो भाग गया। सर आइए, चलिए चलिए सर। थोड़ा रणवीर भाई आगे बढ़ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, धक्का मत। रणवीर भाई थोड़ा आगे बढ़ जाइए, अजी भैया बाइक दे रहे, थोड़ा अनुशासन में रहो भैया, बाइट दे रहा, रुक जाइए, आपको भी आगे कर दे रहा हूँ, नहीं तो शर्ट फट जाएगा, किसी का धक्का देंगे तो। लगता है वो वंशवाद के बाहर नहीं निकल सकते और वंशवाद की इस बार जनता जनार्दन आजमगढ़ नकार देगी, कल का नकार देगी और दिनेश जी इस बार चुनाव जीतेंगे, जीतेंगे। वैसा कि आपने भैया नामांकन कर दिया है, वो बाहर आ गए हैं, तू उधर जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, इस बार जीतता है भाजपा, इस बार कमल खिलाएगी। मैं विशाल श्रीवास्तव जिला IT संयोजक भाजपा आजमगढ़। देखिए इस बार चुनौती कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी